क्या आप जानते हैं कि हम मानव अपनी पृथ्वी को और पर्यावरण को कितनी बर्बरता से शोषित कर रहे हैं? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं, वीडियो को पूरा देखना अंत तक। हम मानव पर्यावरण को बदले में ये दे रहे हैं कि क्लाइमेट अचानक चेंज हो रही है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि हम भरभर के यूज कर रहे हैं ऑयल, गैस, फ्यूल्स, और ये सभी के सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो पृथ्वी के पर्यावरण को गर्म करती है। दूसरी बात कि हम मानव अपनी जनसंख्या का वृद्धि लगातार करते जा रहे हैं और जनसंख्या वृद्धि करने के साथ साथ हम फॉरेस्ट को भी नष्ट करते जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि जब हम जंगल को नष्ट करते हैं तो वहाँ पे रहने वाले प्राणी को हम बेघर कर देते हैं, और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का घर को से बेघर करता है तो हम लोग क्या से क्या कर जाते हैं, लेकिन वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि वो लोग हम लोग इतना बुद्धिजीवी तो है नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी है ना। इसलिए इतना तो छोड़िए, हम अब ओशन को भी नहीं छोड़े, हमने ओशन तक पहुँच गए, वहाँ पर भी हम लोग पायरेट फिशिंग कर रहे हैं, ओशन ओवर फिशिंग कर रहे हैं, और कई अन्य तरह से हम ओशन को ही प्रदूषण करना चालू कर दिए हैं। मतलब हर तरह से प्रदूषण, बस करो जितना हो सके उतना प्रदूषण करते ही जाओ, मतलब लिमिट क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। मानवता कितने गिर सकती है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमने अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्रदूषण करना स्टार्ट कर दिया है। देखो यार, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स को पॉल्यूशन करता है और वो अनकंट्रोल होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये मतलब उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जेनेटिक पॉल्यूशन होता है, वो काफ़ी हार्मफुल होता है। इसके बाद तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही, जो छुप छुप के लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं कई सारे देश में कर रहा, और इसके द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उसका उदाहरण आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो चेरनोबिल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर सहने वाला प्लेस है, उस वहाँ के लोगों से पूछिए कि वहाँ पे हुआ क्या था, पूरी की पूरी खाल उधर जाती थी रेडिएशन से, इतनी